हसन बशीर मेरा नाम है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक ऑनलाइन स्टोर सिटबैक के नाम से रन करता हूँ और उसके साथ साथ पेशावर के अंदर ये बुक्स एंड चाय के नाम से इस कैफ़े को ओन करता हूँ और रन करता हूँ। ये कैफ़े हमने तकरीबन एक साल पहले ओपन की और इसे अभी साल पूरा होने को। हमें ये फील हुआ कि पेशावर के अंदर इस तरह की लाइब्रेरीज मौजूद नहीं हैं, इस तरह की रीडिंग स्पेसेस मौजूद नहीं है, इस तरह की स्पेस मौजूद नहीं है कि जहाँ पे एक छत के नीचे रीडिंग की फैसिलिटी, कोवर्किंग स्पेस की फैसिलिटी, वाईफाई की फैसिलिटी, प्रिंटिंग की फैसिलिटी और साथ ही साथ कैफ़े की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो पेशावर के अंदर इस कमी को पूरा करने के लिए हमने इस तरह के कैफ़े को ओपन करने का इरादा किया। इसके अलावा पेशावर एक हिस्टोरिकल शहर है, तालीमी शहर है, पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल शहर है। इस शहर के हवाले से अगर हम तारीख में देखें तो मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि इस शहर में किस अख्वानी बाज़ार के नाम से बाज़ार मौजूद था और पूरी दुनिया से स्पेशली इस रीजन से जब मुसाफिर आया करते थे इस शहर में तो वो किस अख्वानी बाज़ार में ज़रूर रुकते थे और मुख्तलिफ महफिलें जमाया करते थे और चाय की कप के ऊपर वो एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते थे, एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात शेयर करते थे, अपने सफ़रनामे शेयर किया करते थे, अपने तजुर्बात शेयर किया करते थे। ये भी एक वजह है कि हम ये चाह रहे थे कि इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को हम 21वीं सदी के अंदर हम रिवाइव करें। स्पेसिफिकली पेशावर और पूरे पाकिस्तान से हमें बुक्स एंड चाय के हवाले से एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है और स्पेशली जो जवान हैं, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उन्होंने इस आइडिया को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और यहाँ पे हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर प्रोफेशन और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आया करते हैं और उन्होंने इस जगह न सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि यहाँ पे जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो उन सर्विसेज को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 5000 प्लस बुक्स मौजूद हैं। इन बुक्स में हमारे पास जनरल बुक्स भी मौजूद हैं, हमारे पास हिस्ट्री के रिलेटेड बुक्स भी मौजूद हैं, हमारे पास रिलीजन और फिलॉसफी के ऊपर बुक्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा कोर्स बुक्स की भी एक पूरी रेंज हमारे पास मौजूद है, स्कूल के लेवल से लेके PhD लेवल तक, मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशन से रिलेटेड बुक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके पूरे सब्जेक्ट्स को हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। बुक्स एंड चाय एक साल गुजरने के बाद एक कम्युनिटी सेंटर बन चुका है और बुक्स एंड चाय में यहाँ पे न सिर्फ लोग कैफ़े के तौर पे आते हैं, न सिर्फ लोग ये जगह रीडिंग स्पेस के तौर पे यूज़ करते हैं या कोवर्किंग स्पेस के तौर पे यूज़ करते हैं बल्कि बुक्स एंड चाय के अंदर लोग यहाँ पे डिफरेंट सोशल क्लब्स भी जो हैं वो चला रहे हैं, चाहे वो बुक क्लब हो, चाहे वो फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग का क्लब हो, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का क्लब हो, चाहे वो CSS की तैयारी के हवाले से क्लब हो, तो डिफरेंट क्लब्स यहाँ पे बने हुए हैं और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ यहाँ पे आके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीकली, मंथली सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेंबरशिप की सहूलत भी मौजूद है उन लोगों के लिए, उन विज़िटर्स के लिए कि जो ये चाहते हैं कि उनके लिए यहाँ पे एक सीट जो है वो रिज़र्व हो और वो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक रोज़ जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने मंथली मेंबरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है और उस मेंबरशिप के अंदर जो सीरियस अपराध हैं, जो इस जगह को यूज़ करने के लिए रेगुलर आना चाहते हैं, तो उनको हम नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं और वो यहाँ पे रेगुलरली विज़िट करते हैं। सिर्फ 10 सीट्स की कैपेसिटी उन लोगों के लिए हमने रखी हुई है कि जो इस जगह पे, इस जगह में अपने लिए सीट रिज़र्व करना चाहते हैं।